प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है। आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं। देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि अगर कोई देश के लोग प्रेरणा ले सकते हैं वो सिर्फ नागपुर से ले सकते हैं। नागपुर एक क्रांतिकारियों की भूमि है। इसी भूमि पर बाबा साहब अंबेडकर ने लाखों लोगों को अपने विचारधारा में लाया और उनको सभी को एक सामाजिक न्याय दिलाया। महात्मा गांधी जी भी वर्धा और यहां पर कम से कम 2600 दिन यहां पर उन्होंने गुजारा है। करीब 7 साल उन्होंने मेहनत की देश को आजादी दिलाने के लिए। उनका काम यहां बहुत बड़ा है। देश के कोने कोने से लोग यहां आकर उनका सलाह लेते थे और देश को आजादी दिलाने के लिए क्या करना इस विचारधारा का यहां पर बात होती थी। लेकिन भाइयों यहां दो है, एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है। क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। इसीलिए आप सोचना चाहिए, आपको बड़ी जवाबदारी है। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक ये जो समानता का एक झंडा है ये आप नहीं फहरा सकते हैं। तो भाइयों मैं यहां से इतना सबको विनंती करूंगा कि पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं और ये जो संघ की सरकार है अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया वो भी खत्म हो जाएगा।